मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 21 अगस्त हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। क्लास आपकी 9th है, सब्जेक्ट साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था सेल के बारे में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि थी सेल। तो हमने सेल में क्या क्या डिस्कस कर लिया था ये एक बार देख लेते हैं। सेल में हमने देखा था कि जो ये आउटर लेयर होती है इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके थ्रू जो मटेरियल है बाहर आ जा सकता है, ठीक है, ये चीज देखी थी। उसके बाद जो ये लिक्विडी सा पार्ट है इसको साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, तो आज जो बात की जाएगी वो न्यूक्लियस को लेकर बात की जाएगी। जो ये पार्ट है, ये हर सेल में जो पाया जाता है, न्यूक्लियस के बारे में आपकी बात की जाएगी। या फिर दूसरे तरीके से, जैसे सेल जो होती है ये तो फ्लैट पिक्चर दी हुई है, जैसे कि आपको जो अर्थ होती है अर्थ को मैप पे उतार के दिखा देते हैं, लेकिन अर्थ होती तो गोल है ना। इसी तरीके से जो सेल है तो सेल के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए स्टोर होता है, और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में स्टोर होती है आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हमें किसी का डीएनए, ये तो आप सभी को पता होगा कि डीएनए में ये माँ और हमारे जो पिताजी होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए में, ठीक है। और वो जब दोनों के ही डीएनए मिलते हैं एक तरह से, वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमें जो खोए हुए बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को फाइंड करना होता है, और सीरियल्स जो होते हैं उनमें तो काफी डीएनए का यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। जिज्ञासा हैज प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट स्लाइड ऑफ एन ओनियन पिल एंड चिक्स सेल, जो आपके जो गाल होता है उसकी सेल, और ये ओनियन जो होता है ना, जब आप प्याज को छीलोगे तो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी वो उतरती है, चिल्ली सी उतरती है। मैं उसके वीडियो डालूंगी आज, ठीक है। तो जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना, वो इस तरीके की दिखाई देती है। पिछले वीडियो में ये है, ये हमारा क्या है, हर सेल के अंदर ये बहुत सारी सेल्स हैं, देखिए, ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सेपरेटेड है। तो ये जो छोटा सा ये बिंदु है ये क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। ये हमारे चिक की सेल होती है, चिक की सेल जो होती है, हमारे जो गाल की सेल होती है उसमें भी हर सेल में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। व्हाट आर दिस डार्क स्पॉट्स डॉट्स इन द अबव स्लाइड शोज, व्हाट आर देयर फंक्शन, इनके फंक्शन क्या है। दीदी, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल कहा जाता है। दीज हैव अ कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ओके। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से आपकी सेल की मेम्ब्रेन थी, ठीक है, तो उसी तरीके से न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसमें से मटेरियल जो होता है बाहर और अंदर जाता है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस को ब्रेन कंट्रोलर भी कहा जाता है सेल का, एज इट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट द सेल्स फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन यही करता है किसके, सेल के। न्यूक्लियस परफॉर्म मैनी फंक्शन इन द सेल, न्यूक्लियस जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल डिविजन, सेल डिवाइड होती है। अब सेल का क्या होता है, सेल जो है हमारे अंदर बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, बनती रहती हैं, ठीक है ना, और मरती रहती हैं, हर घंटे यही चलता रहता है, ठीक है। अब सेल डिवीजन होता है, सेल की ग्रोथ होती है, प्रोटीन होता है, एंजाइम बनते हैं, डीएनए का स्टोरेज होता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड, क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड, ठीक है। जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है ये, जेनेटिक स्ट्रक्चर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जीन्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जीन्स क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे डीएनए में हम बोल देते हैं डीएनए, डीएनए में जीन्स होते हैं, और जीन्स में ही एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि हम किसके बच्चे हैं, ठीक है। आरएनए, राइबो न्यूक्लियक एसिड एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन ए सेल, ठीक है, ये सारे काम होते हैं हमारे किसके, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीदी, दे आर आरएनए एंटेंगल्ड थ्रेड, ये कह रहा है कि ऐसे ना, ऐसे 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 होता है। अब जब डीएनए के इमेज देखने की कोशिश करो ना, ऐसे दिखाया जाएगा ऐसे करके, तो डीएनए के ऐसे इमेज देखो, ऐसे कुछ होता है। वो कह रहा है कि एंटेंगल मतलब उलझा हुआ सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं। ये कह रहा है, ज्ञान व्हाट आर द क्रोमोसोम एंड देयर फंक्शन इनसाइड अ सेल, ठीक है। तो कहता है कि एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से,
जब सेल डिवाइड होती है, जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है, दीज मटेरियल अलाइन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कपल्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो अपने आप को ये जब डिवाइड होनी स्टार्ट होती है इस तरीके के स्ट्रक्चर में क्या कर लेती है, बना लेती है, और इनको फिर कहा जाता है क्रोमोसोम। इनको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि हमने पिछले इसमें भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर रीजन की फॉर्म में होता है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, विच इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस रीजन, को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड हम एक बार इमेज में देखते हैं कहां पर है, यहाँ पे देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर पोर्स है। जैसा कि आपको बताया था ना कि अंदर और बाहर जाने के लिए क्या होता है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं हमारी वर्कशीट में आगे। ओके, अब बात कर रहे थे द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिक्स। फिक्स होते हैं, कितने होते हैं, 46 होते हैं, यानी कि पेयर होता है 23 का, ठीक है, पेयर होता है 23 का। द फंक्शनल सेगमेंट, इनके बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़े, अगली जो वर्कशीट आएगी उसमें जरूर पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये पेयर में होते हैं, और कितने पेयर होते हैं, 23, यानी कि पेयर हो गया, तो एक पेयर में दो तो होंगे, पेयर तभी बनेगा ना, दो होगा, तो कितने हो गए, 46 हो गए। अभी देखिए इन्होंने कहा है कि जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, फंक्शनल सेगमेंट ऑन क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स। जीन्स में क्या स्टोर होता है, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है, फिर आपसे आपके बच्चों में चली जाएगी, आपके बच्चों से फिर आपके जो भी आगे आने वाली जनरेशन होगी उसमें चली जाएगी। तो अब आपको आज की तो आसान ही थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में, ये आपको बताना है। तो डिफरेंस, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए, वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल, ये सारे हमारे क्वेश्चन है, तो चलिए इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। हिंदी मीडियम का करना है पहले, सॉरी इंग्लिश मीडियम का करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट प्रोकैरियोट्स द न्यूक्लियस इज नेकेड, दैट इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, वेयर इन यूकैरियोटिक में क्या होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर से बाउंडेड होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यहाँ पे आपको क्या करना है, डीएनए और आरएनए के बारे में इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, ये आपकी वर्कशीट में ही दी हुई है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हर बार पूछी जाती है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट आर जीन्स एंड वेयर आर दे लोकेटेड, ठीक है, ये आपको बताना है कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिक्स होते हैं, कितने होते हैं, 46 या फिर 23 का पेयर होता है, ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस फीचर ऑफ पेरेंट्स टू देयर जो जीन्स होते हैं, ठीक है, उनमें नेक्स्ट जनरेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इट इज लोकेटेड इन डीएनए, ये डीएनए में लोकेटेड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, सारे ही फंक्शन न्यूक्लियस करता है, द न्यूक्लियस इज हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल दैट सर्व एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ए सेल, ठीक है। दिस ऑर्गेनेल्स हैज अ टू मेजर फंक्शन, एक तो ये जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो डीएनए में स्टोर करता है, ठीक है, और जो बाकी एक्टिविटी होती है जैसे कि सेल डिविजन, प्रोटीन सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, उन सब का भी जो काम होता है सेल के अंदर डीएनए में, न्यूक्लियस में ही होता है। तो ये हो गए हमारे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा कि न्यूक्लियस क्या है, और जो पिछले अभी आप लोगों को समझाया था कि सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है, साइटोप्लाज्मा क्या होता है प्रॉपरली, और जो आपका डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको करवाई गई थी पिछली वर्कशीट्स में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।